हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम परिवार वृक्ष फैमिली ट्री के बारे में सीखेंगे। राजू का 10वां जन्मदिन आ रहा है। उसके माता पिता ने उसके 10वें जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। वे उनके सभी रिश्तेदारों को राजू के जन्मदिन का न्योता देने के लिए एक लिस्ट बना रहे हैं। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने सभी रिश्तेदारों के नाम की लिस्ट बना रहा हूँ। इतने सारे लोग, इन सभी को मैं क्या कहकर बुला सकता हूँ? इन सभी का तुमसे अलग अलग रिश्ता है राजू, इसलिए तुम इन्हें केवल किसी एक तरह से नहीं बुला सकते। आओ मैं तुम्हें समझाऊं। राजू के पिताजी ने एक कागज पर इस तरह से उनका परिवार वृक्ष फैमिली ट्री बनाना शुरू किया। आप क्या बना रहे हैं पिताजी? मैं हमारा परिवार वृक्ष फैमिली ट्री बना रहा हूँ। वो क्या होता है पिताजी? परिवार वृक्ष एक ऐसा चित्र है जिसमें हम अपने परिवार के सभी रिश्तेदारों को दर्शाते हैं। देखो राजू, पहले मैं यहाँ तुम्हारा नाम लिखूंगा। ये हो गई हमारी पहली पीढ़ी। अब मैं तुम्हारे नाम से ऊपर की ओर ऐसी दो लकीरें खींचकर तुम्हारी माँ और मेरा नाम लिखूंगा। हम दोनों इस परिवार की दूसरी पीढ़ी में हैं। राजू, अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस तरह हमारी तीसरी पीढ़ी बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? पिताजी, आपको आपके और माँ के नामों के ऊपर दो दो रेखाएं बनानी होंगी। माँ के नाम के ऊपर की दो रेखाओं पर नाना जी और नानी जी के नाम लिखने होंगे और आपके नाम के ऊपर दो रेखाओं पर दादाजी और दादी जी के नाम लिखने होंगे। बिल्कुल ठीक राजू। ये कहकर राजू के पिताजी ने इस तरह से उसके दादा, दादी, नाना और नानी के नाम लिख लिए। अब हमारा परिवार वृक्ष पूरा हो गया ना पिताजी? नहीं राजू, अभी तो काफी लोगों को इसमें जोड़ना बाकी है। देखो, तुम्हारी नानी जी के माता पिता के लिए हम इस तरह से दो रेखाएं बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। फिर हम तुम्हारे नाना जी के माता पिता के लिए इस तरह से दो रेखाएं बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। इसी तरह से हम तुम्हारे दादा दादी के माता पिता के नाम भी इस तरह से इस परिवार वृक्ष में जोड़ देंगे। इन सभी लोगों से मेरा क्या रिश्ता है पिताजी? ये तुम्हारे परनाना और परनानी है और ये तुम्हारे परदादा और परदादी हैं। ये है हमारी चौथी पीढ़ी। अरे वाह, अब तो हमने सभी लोगों को इस परिवार वृक्ष में जोड़ लिया है ना पिताजी? नहीं राजू, एक और पीढ़ी अब भी बाकी है। मेरे परनाना परनानी और परदादा परदादी के माता पिता? राजू ये सोचकर ही चकरा गया। बिल्कुल ठीक राजू, चलो मैं इन्हें जट से हमारे परिवार वृक्ष में जोड़ लेता हूँ। इन्हें मैं क्या कहकर पुकारूं पिताजी? ये हैं तुम्हारे पर पर नाना पर पर नानी और ये हैं तुम्हारे पर दादा और पर दादी। इसके साथ ही हमारा परिवार वृक्ष पूरा हो गया। चलो अब जल्दी से इन सभी को फोन लगाने में मेरी मदद करो। राजू के तो होश ही उड़ गए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था राजू, तुम जाओ खेलो, इन्हें मैं फोन लगा लूंगा। राजू झट से खेलने दौड़ गया और राजू के पिताजी उनके सभी रिश्तेदारों को न्योता देने के लिए
फोन लगाने लगे। बच्चों, इस वीडियो में हमने परिवार वृक्ष फैमिली ट्री के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।